टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और नए दिन में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं आज सेवन वंडर्स घूमने के लिए आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। ये सब, ये मेरी माँ, बुआ, और वो बुआ का लड़का है। फिलहाल दूसरे नंबर के वर्ल्ड्स ऑफ वंडर पे हैं। ये गीज़ा का पिरामिड है, ये वाला। ये सब फोटो क्लिक कर रहे हैं। ताजमहल बाहर से आने के बाद ही थर्ड नंबर पर है। पीछे वाली बिल्डिंग ने इसका सारा व्यू बर्बाद किया हुआ है फोटो खिंचाने का। वो इससे पता चल जाता है कि ये कोटा में फोटो खींचा। और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी। पार्क है तो ये इसको बोलते हैं। सभी चुकी यार जा रहा हूँ इसके सामने पिक्स क्लिक करने के लिए। वैसे काफ़ी ऊँचा सा है। इसका नाम है पीसा की झुकी मीनार। ये फोर्थ नंबर पर है। द लैंडिंग टावर ऑफ पीसा। ब्रिज जो है उसकी कॉपी की हुई है, तो वहाँ से बोटिंग होती है अंदर तक। वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, वो जो एंड दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, वहाँ से बोटिंग है। तो ये तो किसी को सागर तालाब है, आप बोटिंग कर सकते हो उससे। काफ़ी सही पार्क है, आप यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे लोग बाग वन एंड हाफ आवर यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो लगभग एक किलोमीटर के आसपास लंबा पार्क है ये। अभी तो हम पीसा की मीनार तक पहुँचे हैं और उसके बाद नेक्स्ट आईफिल टावर है, काफ़ी दूर है यहाँ से। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है इस तरफ। वो वहाँ पे किशोर सागर तालाब है, उसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है। बाकी अभी काफ़ी धूप आ रही है, वो देखिए कितना दूर हो गया। क्या पढ़ रहा है? पीछे आईफिल टावर। भाई तो भाई रात में ज़्यादा बढ़िया लगता है, जिसमें ब्लू ब्लू कलर की लाइट जलती है ना, तब बहुत सही लगता है देखने में। अभी तो फिलहाल तो ऐसा लोहे का लग रहा है, लोहे का कलर होता हुआ इस पर। कितना दूर आप जाके इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेटर, जब ये पूरा दिखेगा बहुत सही लगता है। ये फिर टावर तक पहुँच गया। अब देखिए कितना सही लग रहा है यहाँ से, एकदम पूरा पूरा सा सब दिख रहा है। लेकिन रात में जब बहुत सही लगता है, जब ब्लू कलर की इसमें लाइट लगी हुई है वो जलती है तब
मैंने ज़्यादातर नाइट में ही देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ, आज दिन में पहली बार देखा मैंने इसको। बाय द वे आप इसको थोड़ा दूर जाके देखिए तो बहुत सही लगता है, ये आईफिल टावर है ये। और ये तो आपको पता ही होगा ये रियो में है, में ये रेस्टोरेंट्स। बट एक बात है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था कुछ टेस्टी मेरे को मिला नहीं यहाँ पे, और काफ़ी कॉस्टली भी था। बाहर से आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलेगी, अगर आपकी इच्छा है फिर भी खाने की तो ले सकते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो पानी पता से खाए थे मैंने, बहुत ही ज़्यादा सड़े थे वो। इधर से चलेंगे दीदी। यहाँ पे बोटिंग स्पॉट है, सब ब्रिज से बना हुआ है। मम्मी को अच्छा है फोटो सेशन के लिए, आप फोटो खिंचा सकते हैं यहाँ पर।